ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और इसलिए आपने 30 मिनट, 1 मिनट और नहीं पाएंगे, आपका कोई रिकॉर्ड में जरा बैठिए। अधीर बाबू कुछ कहना है तो और माननीय अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। लगातार बातचीत होती रही है, और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया, उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाई क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी, ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसीलिए हम जब शुरू में जब वो पंजाब में थे, आपने अपनी बात कह चुके हैं, एक मिनट बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मैंने दिया था, किसी ने टोका टोकी नहीं की थी। नहीं माननीय सुरेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज नो, ये तरीका नहीं है, नहीं नो। चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू प्लीज प्लीज, नो नो प्लीज, आप बैठिए, आपको किसने कहा? टीआर बालू जी प्लीज 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 प्लीज, आपको मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं, प्लीज प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रधानमंत्री जी आपका कोई नोट नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री, ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ही तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए प्लीज
प्लीज एक मिनट बैठिए 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 आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर आपको सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब कोई भी प्रतिपक्ष का माननीय नेता या सदस्य बोलता था तो मैंने सभी से कहा कि सब बात ध्यान से सुने, किसी को टोका टोके नहीं करें। और रात्रि को 1 बजे तक जब तक सदन में अंतिम वक्ता था मैंने पर्याप्त समय दिया है। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपने अपनी बात कह चुके हैं, उनका जवाब माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा अपनी बात। माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है, लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है, आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीरंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है, अधीरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया, और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो, मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीरंजन जी प्लीज, अधीरंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई, हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज, ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस प्लीज
बाद में समय मिलेगा आपको। नो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा क्या करते हैं आप, सीनियर व्यक्ति है, प्लीज प्लीज बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आए, इतना ही नहीं, जो जो लोग ये कहते हैं, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है। और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एकाध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, उन्होंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। माननीय अध्यक्ष जी, हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी,
न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम है, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। अब कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य हो सकता, संभव ही नहीं हो सकता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे शायद जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा। लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट, देश में निर्णय जो होते हैं लार्जर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच के साथ मेरा विरोध है, जब ये कहा जाता है मांगा था क्या, क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें। ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष, सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए। और इसलिए इस देश की जनता ने आयुष्मान योजना नहीं मांगी थी, लेकिन हमें लगा कि गरीब की बीमारी में बचाना है तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के जाना चाहिए। इस देश के गरीब ने बैंक अकाउंट के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला था, कोई मेमोरेंडम नहीं भेजा था, हमने जनधन योजना की थी और हमने जनधन योजना से उसके खाते खोले थे। किसी ने भी स्वच्छ भारत की मांग किसने की थी, लेकिन देश ने के सामने स्वच्छ भारत लेकर के गए, मामला चल पड़ा। कहां लोगों ने कहा था मेरे घर में शौचालय बनाओ, किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन हमने 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। मांगा जाए तभी सरकार काम करे, वो वक्त चला गया, ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए, नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार, एक मिनट दादा, दादा अरे सुनो दादा,
अरे दादा वही मैं कह रहा हूँ, दादा मैं वही कह रहा हूँ, जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग ना करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। ये यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात हम जानते हैं, हम सब इस बातों से परिचित, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है, बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। स्टेटस को, देश को तबाह करने में ये भी एक मानसिकता ने बहुत बड़ा रोल किया है। दुनिया बदल रही है, कब तक हम स्टेटस को ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि स्थितियां बदलने वाली नहीं है। और इसलिए देश की युवा पीढ़ी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। लेकिन आज मैं घटना सुनाना चाहता हूं और जरूर उससे हमें ध्यान में आए कि स्टेटस को के कारण होता क्या है। ये करीब 40-50 साल पुरानी घटना का किस्सा है, मैंने कभी किसी से सुना था इसलिए उसकी तारीख वारीख में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुना था, जो मेरी स्मृति में है वो मैं बता रहा हूं। 60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने के लिए कमीशन बैठा था और राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़े इसके लिए उस कमीशन का काम था। उस कमिटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने देखा तो उसके अंदर एक अर्जी थी और उसने लिखा था कि मैं बहुत साल से सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये उसने चिट्ठी लिखी थी। तो चेयरमैन ने जिसने चिट्ठी लिखी उसको लिखा, भाई तुम्हारा तुम हो कौन, क्या है पद क्या है वगैरह। तो उसने फिर जवाब लिखा दूसरा कि मैं सरकार में जो मुख्य सचिव का कार्यालय है वहाँ CCA के पद पर बैठा हूँ, मेरे पास CCA के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इनको कहा, भाई ये CCA क्या होता है, कुछ पता तो है नहीं, ये CCA कौन होता है। तो उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी, भाई हमारे तो पूरे उसमें CCA शब्द हमने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये है क्या, हमें बताओ। तो उसने कहा, साहब मैं बंधा हुआ हूँ कि 1975 के बाद ही इसके विषय में मैं जिक्र कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर चेयरमैन ने उनको लिखा कि फिर ऐसा करो भाई, 75 के बाद जो भी कमीशन बैठे वहाँ जाना, मेरा सर क्यों खा रहे हो। तो उसको लगा ये तो मामला बिगड़ गया, तो उसको लगा तो कहना ठीक है साहब मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने उनको चिट्ठी लिख के बताया कि साहब मैं जो हूँ वो CCA के पद पर कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और मुख्य सचिव के कार्यालय। तो बोले CCA का मतलब होता है चर्चिल सिगार असिस्टेंट, ये CCA का पद है जिस पर मैं काम करता हूँ। अरे है क्या। तो 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो त्रिची सागर हमारे यहाँ से सिगार जाती थी उनके लिए, और इस CCA जो था उसका काम था वो सिगार उनको सही पहुँची कि नहीं पहुँची इसकी चिंता करना, और इसके लिए पद बनाया गया था, वो सिगार की सप्लाई होती थी। 1945 में वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो पद बना रहा और सप्लाई भी जारी रही। देश आज़ाद हो गया, देश आजाद होने के बाद इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी ये पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था और उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रमोशन मिले, इसके लिए उसे चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए ऐसा स्टेटस को अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं,
तो ये उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो एक रिपोर्ट आती थी कि आज कोई बलून नहीं आया और कोई पर्चे नहीं फेंके गए। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय शायद शुरू हुआ होगा, अभी भी वो चलता था। यानी ऐसी चीजें हमारी व्यवस्था में घुसी हुई हैं। हमें लगता है कि भाई हम रिबिन काटेंगे, दिया जलाएंगे, फोटो निकल जाएगी, हमारा काम हो गया। देश ऐसे नहीं चलता है। हमने जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इरादा अगर नेक हो तो परिणाम अच्छे मिलते भी हैं। हो सकता है एक आध में हमें ना भी मिले। आप देखिए, हमारे देश में एक समय था कि किसी को अपना सर्टिफिकेट सर्टिफाई कराना है तो कॉरपोरेटर काउंसलर उसके घर के बाहर सुबह क्यों लग जाती थी, और जब तक वो थप्पा ना मारे, और मजा है कि वो तो नहीं मारता था, एक लड़का बाहर बैठता था वो सिक्का मार देता था और देते, अब चल रहा था। मैंने कभी इसकी क्या मतलब है, हम भरोसा करें देश के नागरिक पर। मैंने आकर के वो अटेस्ट करने वाली सारी प्रथा को खत्म कर दिया, देश के लोगों को लाभ हुआ। हमने बदलाव के लिए काम करना चाहिए, सुधारों के लिए काम करना चाहिए। अब हमारे यहाँ इंटरव्यू होते थे, मैं अभी भी हैरान हूँ जी, एक व्यक्ति एक दरवाजे से अंदर आता है, तीन लोगों की पैनल बैठी है, उसका मूड देखते हैं, नाम भी पूरा पूछते नहीं, 30 सेकंड में निकल जाता है हजारों, और वो इंटरव्यू कॉल होता है और फिर ऑर्डर दिए जाते हैं। हमने कहा भी क्या मतलब है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सारे इकट्ठा करो, मेरिट के आधार पर कंप्यूटर को पूछो, वो जवाब दे देगा। ये तीसरे और चौथे श्रेणी के लोगों के लिए इंटरव्यू का क्या जमाल बनाया हुआ है, और लोग कहते थे भाई सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगा, हमने खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि देश में हम चीजों को बदलने से असफलता के डर से अटक के रहना, ये कभी भी किसी का भला नहीं करता है। हमने बदलाव करने चाहिए और बदलाव करने का प्रयास हम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ खेती, हमारे यहाँ किसानी एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक मुख्य धारा का हिस्सा रही है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति के प्रवाह के साथ हमारी किसानी जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथ अवेलेबल है हमारे यहाँ कृषि के संबंध में, बहुत सारे उत्तम अनुभव भी हैं। और हमारे यहाँ राजा भी खेतों में हल चलाते थे। जनक राजा की बात तो हम जानते हैं, कृष्ण भगवान के भाई बलराम की बात हम जानते हैं, कोई भी बड़ा परिवार होगा। हमारे यहाँ किसानी और खेती, ये हमारे देश में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नहीं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्रकार का समाज जीवन के कल्चर का हिस्सा रहा हुआ है, और उसी हिस्सों को लेकर के हम करें। और ये हमारी संस्कृति, हमारे पर्व हो, त्योहार हो, हमारे गीत हो, सब चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये हमारी यहाँ परंपरा रही है। हमारे जितने लोकगीत हैं वो भी किसानी से जुड़े हुए होते हैं, फसल से जुड़े, हमारे त्योहार भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं। और इसलिए, और हमारे देश की विशेषता देखिए, हमारे यहाँ किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, तो उसके साथ धन धान्य शब्द उपयोग करते हैं। धन धान्य, धन और धान्य को हमारे यहाँ अलग नहीं करते हैं, सिर्फ धान्य भी नहीं बोलता है कोई, सिर्फ धन भी नहीं बोलता, धन धान्य बोला जाता है। हमारे यहाँ धान्य का ये मूल्य, ये महत्व समाज जीवन का हिस्सा है, और जो स्थितियां बदली हैं तो हमने भी उसको फिर से एक पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यसभा के अंदर मैंने विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है, और देश का 80-85% वर्ग इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा, और बड़ी नक्रता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है, उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है। और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मुझे मैं पूरी तरह समझता हूँ। हमारे यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिकी उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। हमें ये आजादी के बाद हमारे देश में 28% खेतर मजदूर थे, 28% लैंडलेस लेबरर थे।
दस साल पहले जो सेंसस हुआ उसमें ये जनसंख्या खेती दर संख्या 28 से 55% हो गई। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 से हमारा खेतहर मजदूर 55% पर पहुंच गया है और जमीन कम होने के कारण, खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है और वो मजदूरी करने पर किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी होने कर मजबूर हो गया है। और दुर्भाग्य है हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और घर पेट भरने में उसका चला जाता है और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। और हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल वहां सीमित रहे उससे भी बात बनने वाली नहीं है। दुनिया में मार्केट क्या है आज उसके रिसर्च हो रहे हैं, उस प्रकार की चीजों का उत्पादन करें और वो चीजें दुनिया के बाजार में बेचें। भारत की आवश्यकताएं हैं, हम बाहर से चीजें न लाए। मुझे याद है मैं बहुत पहले जब यहाँ संगठन का काम करता था नॉर्थ पार्ट में, मुझे फारूक साहब के साथ भी काम करने का काफी मौका मिला है, तो मुझे हरियाणा के किसान अपने खेत में ले गया। उसने बड़ा आग्रह कहा तो मैं चला गया, छोटी सी जगह थी उसकी, एक डेढ़ दो बीघा से जमीन होगी, लेकिन बड़ा प्रगति। तो उसने वो बड़े पीछे पड़ा, आइए आइए। मैंने कहा है क्या बात, वे बोले एक बार आइए तो देखिए। तो मैं गया उसके यहाँ, करीब 30-40 साल पहले की बात है, 30 साल हो गए। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के 5-स्टार होटल्स में जो चीज़ें सब्जियां वगैरह विदेशों से लाते थे उसने उसका स्टडी किया। अगर उनको छोटे कॉर्न चाहिए, उनको छोटे टमाटर चाहिए, और उसने अपनी उस छोटी सी जगह में और रिस्ट्रिक्टेड वातावरण के अंदर लोगों की मदद लेके वो फसल पाया। और मज़ा है कि दिल्ली 5-स्टार के होटलों में उसका माल जाना शुरू हो गया। हमारे देश में थोड़ा सा बदलाव करें हम। अब हमने कभी सोचा है स्ट्रॉबेरी हम बाय एंड लार्ज मानते हैं कि वो ये ठंडे प्रदेशों का है। मैं देख रहा हूँ जी कच्छ के रेगिस्तान में स्ट्रॉबेरी हो रही है, मैं देख रहा हूँ जी मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ स्ट्रॉबेरी हो रही है, बुंदेलखंड में जहाँ पानी की दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ संभावनाएँ हैं, हमारे किसान को गाइड करके हम नई नई चीज़ों पर ले जाएंगे। मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारा देश का किसान आगे आएगा, लेकिन उसको ये ठीक है उसका अनुभव ऐसा है कि उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर वो चल पड़ता है तो कमाल करके दिखाता है। उसी प्रकार से कृषि के अंदर जितने नए रास्ते निवेश बढ़ेगा, मैं मानता हूँ रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और दुनिया में एक हमें नया मार्केट मिल सकता है। हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधारने के लिए एग्रो बीज इंडस्ट्री की संभावनाएं भी बढ़ेगी और इसलिए हमें इस पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने जरूर काम करना चाहिए। कई विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, कोरोना काल में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे किसान की जो परेशानियां हैं वो कम हो, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं और इन कृषि सुधारों से हम उस दिशा में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को एक बराबरी का प्लेटफॉर्म दे पाए हम, आधुनिक टेक्नोलॉजी दे पाए, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर पाए, उस दिशा में सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। पुरानी सोच पुराने मानदंड अब किसानी का भला कर पाते तो बहुत पहले कर पाते। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बातें कर ली, हम एक नए तौर तरीके लिए आगे बढ़ने की, और सबको चिंतन करिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है, मिल बैठ करके उसको हमने सोचना चाहिए। सभी दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से
हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने बदलना होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा किसान गरीबी के चक्कर में फंसा रहे, उसको जिंदगी जीने का हक न मिले। मैं मानता हूं कि उसको आश्रित रहना न पड़े, उसको पराधीन न रहना पड़े, सरकारी टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये जिम्मेवारी भी हम सबकी है और उस जिम्मेवारी को निभाना, हमारे अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता कुछ न कुछ और ज़्यादा देश के लिए कर सकें, उसके लिए अगर हम अवसर देंगे तो बहुत सारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे, वो कहते थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक हमारे छोटे किसान को नए अधिकार नहीं मिलते तब तक पूर्ण आज़ादी की उनकी बात अधूरी रहेगी, और इसलिए बड़ा बदलाव कर करके हमको हमारे इन किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा और हम सबको मिलकर के करना होगा। गलत कुछ करने के इरादे से जब नहीं होना चाहिए, अच्छा करने के इरादे से होना चाहिए, किसी की भलाई करने के लिए होना चाहिए। हमारी सरकार ने छोटे किसानों के लिए हर कदम को आप देखेंगे तो छोटे किसानों को हमने बीज से लेकर के बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं, छोटा किसान का लाभ सकते हैं। अब जैसे डेयरी सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर सशक्त भी हैं और उसका एक मजबूत वैल्यू चेन भी बना है और सरकार की दखल कम से कम है, फिर भी वो अपने मजबूती पर आया है। हम धीरे धीरे फल फूल सब्जी की तरफ बल दे सकते हैं और उसके बाद धान्य की तरफ दे सकते हैं, हम बहुत ताकतवर बना सकते हैं। हमारे पास मॉडल है, सफल मॉडल है, उन सफल मॉडल का हमने प्रयोग करना चाहिए, हमने उनको वैकल्पिक बाजार देना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं। और जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में विशेष प्रयोग हुआ है FPOs बनाने का, कई और राज्यों ने भी, केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफ़ी मात्रा में FPO बनाने काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसके कारण किसान अपना बाजार ढूंढने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ये 10,000 FPOs बनने के बाद आप देखना कि गांव के अंदर किसान छोटे हैं, उसको बाजार की ताकत किसान डिक्टेट करेगा, वो बन जाएगी और किसान ताकतवर बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इन FPO के माध्यम से बैंक से पैसा भी मिल सकता है, वो छोटे छोटे भंडारण की व्यवस्था कर सकता है, अगर वो थोड़ी ताकत ज़्यादा इकट्ठी करे तो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है। और हमने 1,00,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तय किया है और उसको हम स्वयं सहायता जूथ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करीब 7 करोड़ बहनें जुटी। गाँव की बहनें अल्टीमेटली वो किसान की ही बेटियाँ होती हैं, किसी न किसी खेती से जुड़े हुए परिवार की बेटियाँ होती हैं और वे भी आज नेटवर्क किसानों की भलाई में काम आ रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बनते जा रहे हैं। और इनके द्वारा भी, मुझे याद है गुजरात में वलसाड जिले में आदिवासियों के पास जमीन भी काफ़ी ऊपर नीचे है, अनइवन लैंड है और बहुत छोटी जमीन है, हमने एक बाड़ी प्रोजेक्ट किया था और अब्दुल कलाम जी एक दिन अपना जन्मदिन वहाँ मनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं इन किसानों के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग था, महिलाएं काफ़ी काम करती थी आदिवासी बेल्ट के अंदर और मशरूम काजू वो गोवा की बराबरी का काजू पैदा करने लग गए थे और उन्होंने मार्केट प्राप्त किया था। छोटे किसान थे, छोटी जगह थी, लेकिन प्रयत्न किया तो परिणाम मिला और अब्दुल कलाम जी ने इसके विषय में लिखा भी है, उन्होंने आकर के देखा था। तो मैं कहता हूँ कि हमने नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए। अब हम देखिए दाल की हमारी यहाँ कठिनाई थी, मैंने 2014 में आके किसानों के सामने रिक्वेस्ट की, उन्होंने देश के अंदर दाल की कठिनाइयों से हमें मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया, उनको बाजार भी मिल गया। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन इनाम के द्वारा भी गांव का किसान भी अपना माल बेच रहा है। हमने किसान रेल का एक प्रयोग किया इस कोरोना कालखंड का उपयोग करते हुए और ये किसान रेल
और किसान उड़ान, ये भी अपने आप में बड़े बाजारों तक छोटे किसानों पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मदद मिली है। एक प्रकार से ये ट्रेन जो है चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। और मैं सदन के सदस्यों से जरूर कहना चाहूँगा कि ये किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर गांव के छोटे किसान को किसी और राज्य के बाजार, दूसरे बाजार के साथ जोड़ दिया। अब देखिए, नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी, 30 किलो अनार, 30 kg अनार ये उसने वहां से ये किसान रेल से भेजा, और खर्चा कितना हुआ, 124 rupees। उसको बड़ा बाजार मिल गया। ये 30 किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन ये व्यवस्था थी तो यहाँ का किसान वहां तक जाकर के अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से जो भी उसको सुविधा मिलती है, वो चाहे अंडे, मैंने देखा है कि अंडे किसी ने भेजे और अंडे भी उसको 60 रुपया खर्चा हुआ भेजने का, और उसके अंडे पहुंच गए, समय पर पहुंच गए, उसका माल बिक गया। देवलाली का एक किसान, 7 kg उसकी कीवी, उसको उसने दानापुर भेजी, भेजने का खर्चा 62 rupees हुआ, लेकिन उसको 7 kg की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य पे जाकर के मिला। किसान रेल लगती छोटी बात है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है, भारत की अर्थनीति, भारत की अर्थनीति की किताब में चौधरी साहब ने लिखा, सुझाव दिया है, सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में, देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने जाने के पर कोई प्रतिबंध न हो। ये चौधरी चरण सिंह जी की किताब का कोट है। कृषि सुधारों, किसान रेल, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई नाम, ये सारी चीजें हमारे देश के किसानों और से छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा अवसर देने के प्रयास के भाग रूप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं नहीं मानता हूं उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी। पता भी था, समझ भी थी, और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं। ये मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं, द स्टेट टूक इनिशिएटिव टू अमेंड देयर स्टेट एपीएमसी एक्ट इन द ईयर 2005 इटसेल्फ, प्रोवाइडिंग फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेटिंग अप ऑफ ए प्राइवेट मार्केट, कंज्यूमर फार्मर मार्केट्स, ई ट्रेडिंग, एंड नोटिफाइड द रूल्स इन 2007 टू इम्प्लीमेंट द एमेंडेड प्रोविजन। इन फैक्ट 24 प्राइवेट मार्केट्स हैव ऑलरेडी कम अप इन द स्टेट। ये किसने कहा था? ये एपीएमसी एक्ट बदल दिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं, ये उनका कोर्ट में कह रहा हूं। अब आज एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं, और इसलिए शक होता है कि आखिरकार आप किसानों को भ्रमित करने के लिए रास्ता क्यों चुना है। देश की मंडियां चल रहे हैं सिंडिकेट और कीमतों को प्रभावित करने वाले नेक्सस में के बारे में जब उनको पूछा गया, उनको एक सवाल पूछा था कि ये नेक्सस है मंडियों वालों वगैरह का, तो क्या कहना है,
तो शरद पवार का एक दूसरा जवाब है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था किसानों के बचाव के लिए ही तो एपीएमसी रिफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों को एपीएमसी मंडियों का विकल्प मिले। जब ज्यादा व्यापारी रजिस्टर होंगे तब स्पर्धा बढ़ेगी और मंडी में सांठगांठ इससे खत्म होगी। ये बात उन्होंने कही है और इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमने समझना होगा। जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव खेल में बिगाड़ब, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, देश का सामर्थ्य बढ़ाने में सभी का सामूहिक योगदान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतीय का पसीना लगता है तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए, आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है, हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए। और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जी भी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व है और रहने वाला है और जरूरी भी है।
लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। तीन किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है ये वर्ग, उनकी एक पहचान है टॉकिंग द राइट थिंग्स, यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है लेकिन इस वर्ग के ऐसे लोगों से नफरत चिढ़ है जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। ये फर्क समझने जैसा है। टॉकिंग द राइट थिंग, इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। जो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी जब बात आती है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। यही लोग जब जेंडर जस्टिस की बात आती है तो बढ़ चढ़ करके बोलते हैं लेकिन अगर ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात करते हैं तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये एनवायरमेंट की बात करते हैं लेकिन हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर, उसके सामने जाकर के झंडे लेकर के खड़े हो जाते, होना नहीं चाहिए, इसके लिए आंदोलन चलाते। तमिलनाडु तो उसका भुक्तभोगी है। उसी प्रकार से जो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के कोर्ट में जाकर के रीट करते हैं, अपील करते हैं, पीआईएल करते हैं दिल्ली के लोग, वही लोग पराली जलाने वालों के समर्थन में जाके खड़े हो जाते। तब समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से इस देश को गुमराह करने का इन लोगों का प्रयास है और उसको देश ने समझने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं इस 6 साल में विपक्ष के मुद्दे कितने बदल गए। हम भी कभी विपक्ष में थे लेकिन हम जब भी विपक्ष में थे तो आपने देखा होगा देश के विकास के मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के हम शासन में बैठे हुए लोगों को घेरते थे, हम आवाज उठाते थे, हम प्रयास करते थे। मैं हैरान हूं आजकल विकास के मुद्दे की चर्चा ही नहीं करते। मैं इंतजार करता हूं कि ऐसे मुद्दे उठाए ताकि हमको कुछ कहने का मौका मिले कि भाई हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मौका ही नहीं सीख, क्योंकि इनके पास इन मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है और इसलिए न वो कितनी सड़कें बनी पूछते हैं, न कितने पुल बने पूछते हैं, न बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या हुआ है, कितनी पटरियां बिछी, इन सारे विषयों पर उनको चर्चा करने में इंटरेस्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है और भारत को आगे जाना है
तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की बहुत जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना इस समय की मांग है और हम सबको इसको स्वीकार करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी देश की गति भी तेज होने वाली है, उसकी दिशाएं भी व्यापक होने वाली हैं और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अनेक नई संभावनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर जन्म देता है, नए अवसरों को जन्म देता है, रोजगार के लिए नए अवसर लेकर के आता है, इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट करने की उसकी ताकत रहती है और इसलिए हमने इस बात को बल देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वोट बैंक के अवसर नहीं होता है, कागज पे घोषित कर देना कि ये रोड बनेगा, एक चुनाव जीत लो, दूसरी बार वहां जाके सफेद पट्टी कर लो, दूसरा चुनाव जीत लो, तीसरी बार जाकर वहां थोड़ी मिट्टी डाल दो, ये इस काम के लिए नहीं है। ये सचमुच में जीवन बदलने के लिए और सब व्यवस्थाओं को बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बल देने की आवश्यकता है। 110 लाख करोड़ रुपए की योजना के साथ हमने बजट में अभूतपूर्व खर्च के साथ आगे बढ़ने की दिशा में हम चल रहे हैं। देश के 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन, 6 लाख से ज्यादा गांवों में तेज इंटरनेट, बिजली के क्षेत्र में हम वन नेशन वन ग्रिड इस कंसेप्ट को साकार करने में सफल हुए हैं। सोलर पावर सहित रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आज दुनिया के 5 टॉप देशों के अंदर भारत ने अपनी जगह बना ली है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर और विंड की हाइब्रिड पार्क आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बन रहा है। विकास में हम एक नई तेजी देख रहे हैं, नए पैमानों पर जा रहे हैं। हमने देखा है कि जहां जहां असमानता है, खास करके पूर्वी भारत, अगर देश के पूर्वी भारत का विकास हम उस स्थिति पे लाना होगा ताकि पश्चिम भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी बराबरी तुरंत करे, तो मिलकर के देश के अंदर प्रगति की संभावना बढ़ेगी और इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास पर एक विशेष बल दिया है। चाहे गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे रेल बिछाने की बात हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इतना ही नहीं वाटरवे के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा ये फोकस है कि देश को एक संतुलित विकास की तरफ ले जाना चाहिए, देश के हर क्षेत्र को, एक भी क्षेत्र पीछे न रह जाए, उस प्रकार से विकास की अवधारणा को लेकर के आगे चलने का हमने काम किया है और इसलिए ईस्टर्न इंडिया पर हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। दर्जनों जिलों में CNG, PNG, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जाल हम बिछाने में सफल हुए। गैस पाइपलाइन पहुंचने के कारण फर्टिलाइजर के उत्पादन में भी तेजी आई है और फर्टिलाइजर के जो कारखाने बंद पड़े थे उनको दोबारा खोलने की संभावना पैदा हुई है, क्योंकि हमने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया, हमने उस पाइपलाइन की ओर बल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कई वर्षों से हम सुनते आए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेकिन एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या हाल था जब उनको सेवा करने का मौका मिला था? सिर्फ 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर काम हुआ था। आज करीब करीब 600 किलोमीटर, 6 साल के अंदर 600 किलोमीटर काम, और एक्चुअली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम, यानी ट्रेन चलना शुरू हो गया, माल ढोने का काम शुरू हो गया और वो सेक्शन काम कर रहा है। UPA के समय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसके प्रति इतनी उदासीनता की गई, इतनी लापरवाहियां की गई है देश के अंदर उन विषयों की हम पब्लिकली चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि देश के सिक्योरिटी की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमने, क्योंकि वहां लोग नहीं है, वोट नहीं है, जरूरत नहीं लगी, फौजी आदमी जब जाएगा जाएगा, देखा जाएगा क्या होने वाला है, इसी सोच का परिणाम था। और इतना ही नहीं, एक बार तो एक रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करते हैं बॉर्डर पे ताकि कहीं दुश्मन देश उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग न कर ले। कमाल के हो भाई, इस सोच इसको बदल करके हमने आज करीब करीब जो अपेक्षाएं और आयोजन था उसका एक बहुत एक हिस्सा बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हमने पूर्ण किया है। LAC पर ब्रिजेज आज मेरा अंदाज है करीब 75 के करीब ब्रिज ऑलरेडी वहां काम चल रहा है तेजी से, और इसलिए
कई सैकड़ों किलोमीटर हमने रोड बनाए हैं, और मैं चाहता हूं कि जो काम हमारे सामने था करीब करीब 75% तो हमने उसको पूरा भी कर लिया है, और हम आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से आप देखिए अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, उसका हाल क्या था अटल जी के समय, जिसकी कल्पना की गई अटल जी के जाने बाद, किसी न किसी फाइलों में वो लटका रहा अटका रहा, एक बार छोटा सा काम हुआ फिर अटक गया, ऐसे ही करते करते चला गया। पिछले 6 साल के अंदर इसके पीछे हम लगे, और आज अटल टनल काम कर रही है, देश की फौज भी आराम से वहां से मूव कर रही है, देश के नागरिक भी मूव कर रहे हैं। जो रास्ते 6-6 महीने तक जो इलाके बंद होते थे वो आज काम करने लगे हैं, और अटल टनल काम कर रही है। उसी प्रकार से मैं ये बात साफ करना चाहूंगा कि जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, ये देश का सामर्थ्य है, हमारे देश के सुरक्षा बलों का सामर्थ्य है, देश को कभी नीचा देखना पड़े ऐसी स्थिति हमारे फौज के जवान कभी कर ही नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आज उनके जिम्मे जो भी जिम्मेवारी, जहां भी जिम्मेवारी मिली है, बखूबी निभा रहे हैं। प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी बहुत मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं, और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है, हमारे वीरों पर गर्व है, उनके सामर्थ्य पर हमें गर्व है, और देश हिम्मत के साथ अपने फैसले भी करता है, और हम उसको आगे भी ले जा रहे हैं। मैंने कभी एक गजल सुना था, ज़्यादा तो मुझे इसमें रुचि नहीं है, मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीज़ों के अंदर जीते हैं पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है, जो उनके कालखंड में उन्होंने किया है, उसी को वो कहते रहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अब चलना ही होगा, हमें बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही होगा। और मैंने कहा, पोस्ट कोरोना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जब हमारे सामने आ रहा है, तो भारत ने कुछ नहीं बदलेगा कि मानसिकता छोड़ देनी होगी, ये तो चलता है चलता रहेगा, मानसिकता छोड़ देनी पड़ेगी। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य लेकर चल, प्रॉब्लम होंगे, अगर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम हैं तो बिलियंस ऑफ सॉल्यूशन भी हैं, ये देश ताकतवर है। और इसलिए हमने हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास रखते हुए हमने आगे बढ़ना होगा, और मुझे विश्वास है कि हम इस बातों को लेकर के आगे चलेंगे। ये बात सही है कि मिडल मैन कल्चर खत्म हुआ है, लेकिन देश का मिडल क्लास जो है उसकी भलाई के लिए बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, जिसके कारण देश को आगे बढ़ाने में अब जो मिडिल क्लास का बल्क है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है, और उसके लिए आवश्यक जो भी कानूनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी वो कानूनी व्यवस्था भी हमने की है। माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रकार से विश्वास के साथ एक प्रगति के वातावरण में देश को आगे ले जाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभारी हूँ कि अनेक विषयों पर उन्होंने स्पर्श किया है, जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो उनको मुबारक। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। मैं फिर एक बार देश के किसानों से आग्रह करूँगा कि आइए टेबल पर बैठ करके मिल करके समस्याओं का समाधान करें। इसी अपेक्षा से राष्ट्रपति जी के भाषण को, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक